गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो है उसमें मैंने क्रिएट किया है स्मोकी आईलाइनर यूजिंग येलो, ऑरेंज एंड ब्राउन आई शेडोज। तो बहुत ही यूनिक, बहुत ही ट्रेंडी आई मेकअप है आजकल, ये बहुत चल रहा है। बहुत ही इजीली आप भी इसको क्रिएट कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, सीखिए मैंने कैसे किया है ये बहुत ही इजी स्टेप्स में आई मेकअप। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा टेप, जिससे मेरे जो एजेस हैं वो स्मूथ रहेंगे। उससे पहले मैंने अपने आईलिड पर थोड़ा सा कंसीलर और लूज पाउडर अप्लाई कर रखा था। नाउ यूजिंग अ पेंसिल ब्रश आई एम अप्लाइंग सम येलो आई शेडो फर्स्ट। मैं उसको कैसे अप्लाई कर रही हूँ आप देख रहे हैं, मैंने कैसे ब्रश को चलाना है, मोशंस कैसे हैं मेरे ब्रश के वो भी आप देखिए। और येलो कलर थोड़ा सा डार्क हो जाने के बाद मैंने एक लाइट ऑरेंज कलर लिया और सेम ब्रश की हेल्प से देखिए जो जहाँ पे मैं आईलाइनर अप्लाई करते हैं हम वहीं पे अप्लाई कर रही हूँ। ऑरेंज शेड को भी थोड़ा थोड़ा लेके दोनों शेड्स को अच्छे से ब्लेंड करना है आपस में। देन मैं एक रेडिश ऑरेंज काइंड ऑफ शेड ले रही हूँ, बहुत डार्क शेड ऑफ ऑरेंज है ये, और उसी ब्रश की हेल्प से मैंने देखिए अप्लाई किया। ब्रश मैंने बार बार क्लीन नहीं किया है जिससे जो कलर्स हैं वो अच्छे से ब्लेंड होते जा रहे हैं, बहुत अच्छा सा एक ग्रेडियंट तैयार हो रहा है। और देखिए आईलाइनर जहाँ अप्लाई करते हैं वहीं पे मुझे इसे अप्लाई करना बहुत इजी है, बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत अच्छा भी लगता है, आजकल बहुत ट्रेंड में है ये आई मेकअप। देन मैं थोड़ा सा ब्राउन शेड ले रही हूँ, यहाँ जो मैंने ब्रश है वो चेंज कर लिया है। यहाँ मैंने वो ब्रश लिया है जिससे हम आईब्रोज फिल करते हैं या फिर आईलाइनर भी अप्लाई करते हैं इसी ब्रश की हेल्प से। तो मैंने ऐसे डाइनल ब्रश लिया और उसकी हेल्प से मैं ब्राउन आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ और तीनों आई शेडोज़ को ब्लेंड कर लेने के बाद मैंने टेप रिमूव कर दिया है। एंड वाटर लाइन के क्लोज भी मैं सबसे पहले ब्राउन आई शेडो लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पे राउंड ब्रश, वही मेरा पेंसिल वाला ब्रश लिया है और उससे वाटर लाइन के क्लोज मैंने आई शेडो अप्लाई किया। देन उसके बाद मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर ले रही हूँ और ब्राउन वाले कलर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे ब्लेंड हो जाने के बाद अच्छे से मैंने थोड़ा सा एक स्पार्कल लिया है जो थोड़ा सा ऑरेंज और ग्रीन का शेड देता है, बहुत ही लाइट शेडेड है ये, अच्छा सा स्पार्कल है, पूरी आईलिड पर इसे अप्लाई कर लिया एक फ्लैट शेडर ब्रश के हेल्प से। एंड देन मैंने एक शिमरी सा सिल्वरी काइंड ऑफ आई शेडो कलर लिया है और उससे अपने ब्राउ बोन और आई के इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया। एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मस्कारा अप्लाई किया है। आप अच्छे तरीके से मस्कारा लगाइए, मस्कारा लगाने के बाद एट लास्ट आई एम अप्लाइंग फॉल्स लैशेस टू द आई मेकअप एंड आज का जो मेरा लुक है वो रेडी है। तो जब भी आप कोई ऑरेंज एंड ब्राउन कलर में ड्रेस पहने तो आप मेरे इस आई मेकअप को कॉपी करिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ट्रेंडी और क्लासी लगेगा ये, ज़्यादा हैवी भी नहीं है और बहुत अच्छा लगेगा ये आई मेकअप। आप चाहें तो इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, पर्पल में भी आप इसे बना सकते हैं, ब्लू में भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा ये। और इसी तरह मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ एक बार फिर से मिलती हूँ आप लोगों के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।